खुतबे शाबानिया में जो कल हमने आखिरी लाइन पढ़ी थी वो थी वज़कुरु बिजुअकुम व अतशकुम फीह जुआ यौमिल क़यामत व अतशी, कि इस माह रमज़ान में प्यास और भूख के जरिए से याद करो यौमिल क़यामत की प्यास और भूख को। अगले मरहले में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इस माह रमज़ान के आमाल के एतबार से, व तसद्दकू अला फ़ुक़राएकुम व मसाकिनकुम, और सदका दो अपने ज़रूरतमंदों को और मिस्किनों को। और यही इत्तफाक से इस वक्त हमारा मौजू चल रहा था, तो हम तवज्जो दिलाएं कि सदक़े का स्टैंडर्ड भी हाई होना चाहिए, जिस तरह क्रॉकरी का, कटलरी का, कपड़ों का, होटल का, गाड़ी का, फ़ोन का, हर चीज़ का हाई होता है, ज्वेलरी का, होटल का, होटल में टिप का, यही स्टैंडर्ड इसी तरीके से हाई होना चाहिए सदक़े का। यानी कम अज कम यहाँ पर जो लोग हैं वो $1 अगर निकालें सुबह एक शाम को तो भी जाके महीने के $60 बनेंगे। फिर अगर कोई बच्चा बीमार हो गया, फिर अगर कभी कोई ख्वाब देखा, फिर अगर कोई सफ़र पे गया, तो ये सब मिला के उमूमन $90 $100 बन सकते हैं, और ये करना चाहिए। अब यहाँ पर एक मौजू बयान होता है कि ईद में भी आप देखते हैं कि फितरे के बॉक्सेस अलग अलग हैं, सादात का और गैर सादात का। सदक़े के वक्त हमेशा सवाल ये पैदा होता है कि सैयद पे सदका हराम है, तो क्या वाकई सैयद पे सदका हराम है? इसका जवाब है हाँ और जवाब है ना, हाँ भी और ना भी। वो कैसे? सैयद पर सैयद का सदका जायज़ है, सैयद पर सैयद का वाजिब सदका। अब यहाँ पर इस सवाल के जवाब से पहले समझना होगा कि सदक़े हैं दो किस्म के, एक है वाजिब सदका, एक है मुस्तहब सदका। ये जो हम सुबह शाम या शादी में या बीमारी में या सफ़र के वक्त या परेशानी के वक्त सदका निकालते हैं, ये वाजिब नहीं है। ये कौन से सदक़े हैं? मुस्तहब सदक़े हैं। वाजिब सदका फ़िक्ह में कहा जाता है, शरीयत में कहा जाता है ज़कात को और फितरे को। जो ईद पे फितरा निकलेगा ये वाजिब सदका है। बस सैयद को सैयद का वाजिब सदका भी दे सकते हैं और मुस्तहब सदका भी दे सकते हैं, और सैयद को गैर सैयद का मुस्तहब सदका भी दे सकते हैं, वाजिब सिर्फ नहीं दे सकते। बस अगर आपका कोई एक नॉन मुस्लिम फ्रेंड हो और कहे जी मेरी बेटी की शादी हो रही है, ये मैं एक चैरिटी निकाल रहा हूं $100, तो वो आप लेकर किसी भी मोमिन को या किसी भी हद तक सैयद को भी दे सकते हैं, उसे नॉन सैयद का भी, क्योंकि वो वाजिब नहीं है। किसी एक नॉन सैयद का, वो तो नॉन मुस्लिम है, अब एक कोई नॉन मुस्लिम नॉन सैयद है फर्ज करें, वो कहता है कि जी मैं अस्पताल में मेरे इतना मेरा सदका जमा हो गया है जो मेरे आयजा ने दिया था, मेरी बेटियों ने दिया था, ये मसलन $400 है, ये अब ये $400 नॉन सैयद का सदका है, लेकिन ये सैयद को दिया जा सकता है क्योंकि ये वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। फ़क़त याद रखें कि नॉन सैयद का जो वाजिब सदका है यानी ज़कात और फितरा, वो नहीं दिया जा सकता। अलबत्ता सदक़े में ये चीज़ जहन में रहे कि जो सबसे अहम शरायत है वो हलाल माल से हो, और जो अहम तरीन शरायत है वो ये कि जिसको सदका दिया जाए उसकी तौहीन ना हो। आया यहाँ पर जो सदका जमा होता है वो आप अपने रिश्तेदारों को भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारे यहाँ तसव्वुर है कि नहीं उनको हम क्यों सदका दें, उनका तो घर है, यानी आप उसको पहले बेघर करेंगे, ये एक मेंटेलिटी पाकिस्तान में है बाज़ जगह कि जी हम उनके यहाँ गए, उनके यहाँ तो फ्रिज था, तो क्या मतलब फ्रिज ना हो, यानी पहले वो फ्रिज बेच के खाए, उनके यहाँ तो पंखे थे, बिल्कुल मीन नीच लोगों वाली मेंटेलिटी। इस्लामी एतबार से यह है कि एक आदमी जिसका गुजर औकात ना हो रहा हो एक नॉर्मल तरीके से, उसको सदका दिया जा सकता है। बस एक आदमी पाकिस्तान में रहता है, हाँ 2000 गज की कोठी है, तो कहा जाएगा ना उसको बेच के छोटे में आओ, एक 80 गज का 120 गज का मकान है, 20,000 पेंशन आती है, 25,000 की दवाएं मियां बीवी की, क्या ये शरअन मोहताज हैं? बिल्कुल हैं। अब अगर ये कहा जाए कि जी इनके पास मसलन बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत बड़े बड़े घर हैं, तो फिर नहीं है मोहताज, कहा जाएगा ना उन घरों को बेचो, या 2000 गज की कोठी में क्यों दो आदमी रह रहे हो, इसको किराए पे दो या बेच के छोटा ले लो, तो वह एक अलग मौजू है। हम बात कर रहे हैं जो नॉर्मल आमतौर पर जो पाकिस्तान में लोग रह रहे होते हैं, एक घर है नॉर्मल सा जरूरत के मुताबिक, तो उनको दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है। तो ये ना जहन में रखें किसी को बिल्कुल दरबदर करके जब तक रोड पे ना ले आए तो उसको सदका नहीं देना है। अब ये जो सदका है इसमें कतन ये मुराद नहीं है कि अमीर की बीमारी गरीब के पास चली गई। हम बचपन में बाज दफा बाज लोगों को देखते थे कि अगर सदके को हाथ लगा दो तो फौरन कहते हैं हाँ ना ना ये पैसों पर सदके पैसे इनको हाथ ना लगाना। तो उस वक्त भी जो है मैं शरारत में, एक दो हमारे रिश्तेदार थे तो वो ज्यादा ऐसी बात करते थे, तो मैं शरारत में फिर लगाता था, कहता था इसके अंदर क्या बीमारी है, यानी ये पैसे वाले की बीमारी अभी गरीब के बच्चे को जाएगी। तो अल्लाह का शुक्र ये इतना सेंस था, लेकिन आमतौर पर डरा दिया जाता था कि इसको सदके के पैसे को हाथ ना लगाओ। और बात भी यही है कि कोई उसके अंदर बीमारी नहीं है,
असल मौजू यह है कि हमने अल्लाह सुबहाना व ताला के दिए हुए माल में से अल्लाह सुबहाना व ताला की खुशनुदी के लिए अल्लाह के एक बंदे की मदद की है, इस मदद के जरिए से खुदावंद तबारक व ताला हमारी मुश्किल को हल करेगा, यह सदका है। और जब तक इस सदके के जरिए से हमने अल्लाह को दिया है यह सदका, हाथ इसका था लेकिन दिया अल्लाह को है, बस जिसको दिया है उससे कोई तवक्को नहीं होनी चाहिए कि ये शुक्रिया करे या आदाब करे या एहसान माने या हर दफा आके कह के नहीं आपका बड़ा एहसान है मुझ पर और हम खुश हों, और जब वो हमें सलाम ना करें तो कहें कि देखो इसके क्या नखरे हो गए, जब इसकी औलाद आगे चली जाए तो कहें कि हमारे टुकड़ों पे पलते थे। तो जितनी बलाएं इस 20-25 साल में रुकी हैं सदके की वजह से, तो ये सदका बातिल हो जाएगा इस ताने की और इस अजियत के जरिए से। ला तुब्तुलू सदकातकुम बिलमन्ने वल अज़ा, अपने सदकों को ज़ाया ना करो मिन्नत और अजियत के जरिए से। बस जैसे ही हमने किसी को ताना दिया तो ये जो शील्ड बनी हुई थी जिसकी वजह से प्रॉब्लम रुके हुए थे, तो हमने अपना सदका पूरा ज़ाया कर दिया। जैसे सदका ज़ाया किया तो वो समझे वो प्रोटेक्शन शील्ड जो थी वो टूट गई। तो ये जहन में रखें और खुसूसन खवातीन की तवज्जो दिलाएं कि कभी सदका जिसको दिया है उस पर बढ़ाई का इजहार ना करो, दे दिया, ये इसको नहीं दिया अल्लाह को दिया, और अल्लाह ने इसके बदले हमें बहुत कुछ दिया है, मसलन जान बचा ली, इससे बढ़ के क्या होगा, $20 में जान बच गई। तो ये चीज़ सदके के बारे में जहन में रहे। और वो हम पहले भी तवज्जो दिला चुके हैं कि अगर किसी के पास लिमिटेड पैसा है, फ़र्ज़ करें $2000 हैं एक्स्ट्रा इस दफा उसके पास, या इफ्तार करा दे यहाँ पर या अपनी बहन को दे दे, बेहतर है कि बहन को दे। इफ्तार के लिए क्या करे, या अल्लाह तू मुझे और दे, और ना मिले तो क्या करे, $8 का $10 खजूर का डब्बा ला के यहाँ पर दे दे, बताने की भी जरूरत नहीं है, ये इफ्तार में डाल दो। और क्या करें, ये भी नहीं है किसी के पास, पानी पिला दे किसी एक को भी काफ़ी है। असल दारो मदार ये होना चाहिए, असल चीज़ यह है कि खुदावंद तबारक व ताला के लिए हो। और जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि हमें यह पता होना चाहिए कि एक रिवायत को जो हम पहले भी कई दफ़ा बयान कर चुके हैं कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अबू हनीफा से कहा कि तुम इतना कयास करते हो, ये बताओ कि अकलमंद कौन है। तो उसने कहा कि जो अच्छे बुरे में तमीज़ करे। तो इमाम ने कहा तो जानवर भी करते हैं। तो आपने फरमाया असल में अकलमंद वो है जो दो अच्छों के दरमियान फैसला करे कि ज़्यादा अच्छा क्या है, यानी यहाँ पर इफ्तार देना ज़्यादा अच्छा है या जो बहन बीमार है उसको पैसों की ज़रूरत है वो देना ज़्यादा अच्छा है। ये अकल होनी चाहिए, दो बुरों में ज़्यादा बुरा क्या है, तो जो ज्यादा बुरा है उससे फिर बचना चाहिए। तो ये असल मेयार है। तो इस जानिब तवज्जो रहे, और अपनी मुश्किलात को हल करने के लिए जो एक बेहतरीन अमल है वो ये है कि दूसरों की मुश्किल को सदके के जरिए से हल किया जाए। और क्या तरीका है, क्या है, ये सब कुछ हमने बयान कर दिया। जो असल चीज़ है वो है नियत। अलबत्ता सदके के बारे में ताकीद यह है कि फौरन जाए, अब यहां से फौरन नहीं जा सकता, या तो तरीका यह है, एक तरीका यह हो सकता है कि किसी को आप वहां पर पहले से दे दें और कहें कि इसमें से हर रोज जो है तुम्हें, मिसाल के तौर पर अगर आपने उसको फर्ज की बात है कि $100 दे दिए या रुपए में उसको कन्वर्ट कर दिया, उसको बता दिया कि इसमें से रोज जो है मिसाल के तौर पर इतने 100 जो है तुम्हारे हैं। एक तरीका यह है कि यहाँ जमा करते रहें, उसमें भी बेहतर यह है कहा जाए कि ये तुम्हारी जानिब से हम जमा कर रहे हैं, यानी ये जो डब्बा है ये दर हकीकत ये तुम्हारा है, इसमें हमने डाल दिया भाई तुम्हारा हो गया, तो ये बेहतर है। लेकिन अगर ये भी ना हो सके तो बेशक जितना रोज हो सके जमा करें, और जमा करने के बाद जो है उसको पाकिस्तान में, इंडिया में या कहीं पर भी अगर आप भिजवाते हैं तो वो इंशाल्लाह बरकतें हासिल होंगी, क्योंकि जब वो महीने महीने जाने लगता है किसी जगह पर तो खुद ब खुद वहाँ पर एक ऐसा माहौल सा बन जाता है कि अब ये आने वाला है और उन्हीं की जानिब से वो जमा होने लगता है। सलावत पढ़ें पर मोहम्मद व आले मोहम्मद।